रहमान इब्राहिम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक अहम कॉन्सेप्ट है टैग क्वेश्चंस के हवाले से। हम आप लोगों को बताएंगे कि टैग क्वेश्चंस जो हैं उनको कैसे हल किया जाता है और टैग क्वेश्चंस को किस तरह लिखा जाता है। तो आइए चलते हैं एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ टैग क्वेश्चंस के हवाले से। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है आज का, टैग क्वेश्चंस। ये टैग क्वेश्चंस किस तरीके से बनाए जाते हैं, इन टैग क्वेश्चंस का मकसद क्या है और ये होते क्या हैं? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि टैग क्वेश्चंस क्या होते हैं और इनको कैसे बनाया जाता है। तो आप लोगों ने ये देखना है कि जो टैग क्वेश्चंस हैं उनमें हमारे पास जो सेंटेंस होता है वो अगर पॉजिटिव होगा, सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो टैग जो आगे हम बनाएंगे वो नेगेटिव बनाएंगे। सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो टैग नेगेटिव बनेगा। जब हम बात करेंगे सेंटेंस नेगेटिव की, सेंटेंस अगर हमारे पास नेगेटिव बनेगा तो जो हमारे पास टैग है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। सेंटेंस नेगेटिव होगा तो टैग उसके अपोजिट होगा, पॉजिटिव बनाएंगे। अब हम इन दोनों के एग्जांपल्स आप लोगों के सामने शो करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं पहले टैग जो है वो हमारे पास अगर पॉजिटिव सेंटेंस है और टैग नेगेटिव हो तो उसकी एग्जाम्पल क्या बनेगी। यहां पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं इसके हवाले से। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग। ये हमारे पास टैग जो है वो क्या है, सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है। जब हम इसके टैग की तरफ आएंगे तो टैग की तरफ आने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा कि आप लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, यानी टैग जो है वो इंट्रोगेटिव बनेगा। तो इज ही इज वर्किंग जो है इसको हम किस तरीके से लिख लेंगे, ही इज वर्किंग को हम लिखेंगे इज ही और आगे क्वेश्चन मार्क। अब जब आप लोगों ने टैग बना लिया इज ही, टैग के लिए जरूरी है कि वो नेगेटिव, मैंने बात की कि होना चाहिए, तो नेगेटिव के लिए क्या करेंगे हम उसके आगे नॉट लगा देंगे, इजंट ही। ये चीज ही इज वर्किंग, इजंट ही, ये हमारे पास है नेगेटिव टैग। स्टेटमेंट क्या थी, पॉजिटिव थी, हमने टैग बना दिया नेगेटिव। अब अगर मैं यहीं पे इसी एग्जांपल को इधर देखता हूं जिसमें सेंटेंस मेरे पास क्या है, नेगेटिव है और टैग क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो इस पॉइंट को किस तरीके से आप देखेंगे। फॉर एग्जांपल, ही इज नॉट वर्किंग, मैं लिख देता हूं ही इज नॉट वर्किंग। अब ये मेरे पास जो सेंटेंस है ये नेगेटिव है, मैंने बात की सेंटेंस नेगेटिव की। अगर हमारे पास सेंटेंस नेगेटिव होगा तो उसके लिए जो हमारे पास टैग आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मींस इज ही आगे क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हमने टैग में नेगेटिव नॉट का इस्तेमाल नहीं करना। क्या बात की हमने कि सेंटेंस अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा, और सेंटेंस अगर हमारे पास नेगेटिव है तो टैग जो बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अब यहां पर दो से तीन